हेलो फ्रेंड्स, मुँ अनुराधा एवं स्वागत करुच्छे मोर चैनल अनुराधा ओडिया टिप्स को। जल्दी रु जल्दी कनसीव करिया पाई बा प्रेग्नेंट हवा पाई आपण को केते थरो रिलेशन रखिबा दरकार, आज रो ए वीडियो रे आमे एई टॉपिक रे डिस्कशन करिबा। तो जल्दी रु जल्दी कनसीव करिया पाई बा प्रेग्नेंट हवा पाई आपण को प्रत्येक दिन दुई तीन थर रिलेशन रखिया कथा, किंबा प्रतिदिन रिलेशन रखिया कथा, किंबा प्रति दुई दिन रे थरे रिलेशन रखिया कथा, बा प्रति तीन दिन किंबा चार दिन रे मध्य आपण रिलेशन रखि पारिबे। एही प्रश्न टी प्राय प्रत्येक कपल जो माने की कंसीव करिया पई ट्राई करचुंदी सेमानक मन रे उंकी मारे थाए। एहा छडा आउ किछि प्रश्न मध्य आपण मानक मन रे थाए, जेमति की जदि आपण प्रत्येक दिन रिलेशन बनांती ताहाले कोन स्पर्म काउंट बा स्पर्म रो संख्या कमी जिवो। द्वितीय प्रश्न टी होउछि की जदि दिने छडी दिने आपण रिलेशन बनांती ताहाले आपणकर प्रेगनेंसी रो चांस बा कंसीव करिवार चांस अधिक हे जाय पारिबो। तृतीय प्रश्न टी होउछि की जदि आपण सबुदिन संपर्क बनांती ताहाले आपणकर स्पर्म रो क्वालिटी खराब हे जिवो। एवं चतुर्थ प्रश्न टी होउछि की जल्दी रु जल्दी कंसीव करिया पई केवल ओवुलेशन डे ही रिलेशन रखिबा कथा। तो आज रो ए वीडियो रे मु आपणकर ए सबु प्रश्न रो उत्तर देबा को जाउछि। तो चालन तो स्टार्ट करिबा आज रो वीडियो टी। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व रो आपण मानको मोर अनुरोध की जदि आपण अनुराधा ओडिया टिप्स को नुवा करी देखु चंती बा एई चैनल को एपरंत सब्सक्राइब करनांती ताहले एई चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल बटन को भी हिट करंतु, ताहले एई चैनल रे अपलोड होतिबा प्रत्येकटी इन्फॉर्मेशन रो वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणको सबटु प्रथमे मिल पारिबो। जल्दी रो जल्दी कंसीव करिया पई सप्ताह को केते थरो रिलेशन रखिबा कथा से सब विषय डिस्कशन करिया पूर्व रो प्रथमे आमे मेल फर्टिलिटी उपर किछि जिंस जानिबा। मेल फर्टिलिटी साधारणतः तीनोटि जिंस उपर डिपेंड करथाय, गोटे होउछि स्पर्म काउंट, सेकेंड होउछि स्पर्म मॉर्फोलॉजी एवं थर्ड टी होउछि स्पर्म मोटिलिटी। तो स्पर्म काउंट माने कोन? स्पर्म काउंट माने स्पर्म रो नंबर। तो जदि जने पुरुषंकर प्रत्येकटि इजाकुलेशन रे पाखापाखि 39 बा 48 मिलियन रु अधिक स्पर्म थाए ताहाले सेटा बिल्कुल भी हेल्दी। 39 मिलियन रु यदि कम स्पर्म थाए सेटा अनहेल्दी बा सेटा प्रेगनेंसी कंसीव करिबारे एतटा हेल्पफुल हेइ पारेनि। द्वितीय जिनिष टी होउछि कंसेंट्रेशन। जने हेल्दी मेल बा हेल्दी मेल फर्टिलिटी पई गोटे मिलीलीटर सीमेन रे पाखापाखि 15 मिलियन स्पर्म काउंट रहिबा निहाती जरूरी। तृतीय जिनिष टी होउछि स्पर्म रो मॉर्फोलॉजी बा तार गठन, स्पर्म गुडिक गठन भल हवा दरकार बा स्पर्म गुडिक हेल्दी हवा दरकार। तृतीय कथाटी होउछि स्पर्म रो मोटिलिटी बा स्पर्म रो गति। प्रेगनेंसी कंसीव करिया पई पाखापाखि 40% स्पर्म मोटाइल हवा दरकार बा गतिशील हवा दरकार। तो चालंतु आमे जानिबा कि जने महिला प्रेग्नेंट केमिति होंती। ओवुलेशन समय रे जने महिलाकर जे कोनोसी गोटे ओवरी आइदर लेफ्ट ओवरी किबा राइट ओवरी जे कोनोसी ओवरी रो गोटे एग रिलीज हुए बा निर्गत हुए। एहा आसी कि फालोपियन ट्यूब रे रहे एवं एही जो अंडा टी निर्गत हुए ताहा पाखा पाखी 24 रो 48 घंटा पर्यंत आपनको शरीर रे जीवित रही पारे। एवं एही 24 रो 48 घंटा मध्य रे जदि आपनकर एग बा आपनकर डिम्बटी स्पर्म सहित मिसी पारिला ताहले जाय कि आपन कंसीव करि परिबे बा गर्भधारण करि परिबे। किंतु आपनको शरीर रे स्पर्म गुडीक पाखा पाखी 3 रो 4 दिन पर्यंत जीवित रही परंती, माने 3 रो 4 दिन पर्यंत सेमानकर सक्षमता अछि एग को फर्टिलाइज्ड करि पारे। ओवुलेशन डे रे ही रिलेशन रखले ही आपन प्रेग्नेंट हेइ परिबे एहा एकदम भी भूल। कारण जदि आपण केवल ही केवल ओवुलेशन डे रे ही रिलेशन रखिबा को चाहंती ताहाले आपणकर स्ट्रेस लेवल बहुत अधिक बढ़ी जाए। आपण जेतेबेले भी रिलेशन बनौचंती प्रेग्नेंट होवा पई बा कंसीव करे पई सबबेले रिलैक्स हे कि रिलेशन रखंतु। कारण जदि आपण स्ट्रेस्ड हे कि रिलेशन रखंती ताहाले आपणक शरीर रे एक प्रकार हार्मोन रिलीज हुए जहाको कि आमे कॉर्टिसोल कहो। एवं एही स्ट्रेस लेवल अधिक हे गेले ताहा आपणकर कंसेप्शन रे बाधा सृष्टि करथाय। सेतिपई इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बा गायनेकोलॉजिस्ट माने साधारणत एडवाइस करथांती कि ओवुलेशन दिन ओवुलेशन रो पाखापाखि 3-4 दिन पूर्वरु एवं ओवुलेशन रो गोटे दिन परे आपणको एही जो फर्टाइल पीरियड बा फर्टाइल विंडो रे ही रिलेशन रखिया कथा। जदि आपण जल्दी रु जल्दी कंसीव करिया पई चाहौचंती आपणको एही फर्टिलिटी पीरियड रे जेमति हेले भी रिलेशन रखिया को पड़िबो। आपण एही फर्टिलिटी पीरियड रे सबु दिन रिलेशन रखि पारंती, दिने छडे दिने मध्ये रिलेशन रखि पारंती। तो जल्दी रु जल्दी कंसीव करिया पई आपणको सप्ताह रे केते दिन रिलेशन रखिया कथा, एहार आंसर मु दीटा भाग रे डिवाइड करिया पई चाहौची। गोटे होची आपणकर नॉन फर्टाइल पीरियड आ गोटे होची आपणकर फर्टाइल पीरियड। नॉन फर्टाइल पीरियड रे आपण डेली रिलेशन रखि पारंती बा दिने छडे दिने रिलेशन रखि पारंती बा दुई दिन अर्थ रिलेशन रखि पारंती बा तीन दिन अर्थ रिलेशन रखि पारंती किबा आदो भी रिलेशन रखि न पारंती। एहा आपणकर डिजायर उपर निर्भर करे एवं आपणकर कंफर्टेबल उपर निर्भर करे। किंतु आपण जति जल्दी रु जल्दी कंसीव करिया पई चाहौचंती ताहाले आपणकु एही फर्टाइल पीरियड माने ओवुलेशन दिन एवं आपणकर ओवुलेशन रो 3-4 दिन बा 5 दिन पूर्वरु एवं ओवुलेशन रो गोटे दिन परे एही जो सप्ताहटी अछि एही सप्ताह रे आपण प्रत्येक दिन रिलेशन रखि पारे
ପାରିବେ କିମ୍ବା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ମଧ୍ୟ ରିଲେସନ୍ ରଖିପାରିବେ। ଫର୍ଟାଇଲ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ରିଲେସନ୍ ରଖିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ଚାନ୍ସ ବା କନସିଭ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବା ବହୁତ ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କି ଏଇ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କାହିଁକି କହନ୍ତି, କାରଣ ଡେଲି ରିଲେସନ୍ ରଖିବାଟା ସାଧାରଣତଃ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ କପଲ୍ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଆଯାଏ କି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ରିଲେସନ୍ ବନାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟରେ କିଛି କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ବି ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। କାରଣ ଏକ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ରିଲେସନ୍ ବନାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେନି, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଡେଲି ବି ରିଲେସନ୍ ବନାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ମର କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହେବାର କୌଣସି ବି ସମ୍ଭାବନା ବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ବା ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ତ ଆଉ ଏକ ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ହାପି।